नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज इस सेगमेंट में हम बात करेंगे संजय मिश्रा की। संजय मिश्रा मूल रूप से बिहार के निवासी है। संजय का जन्म बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। संजय ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई बिहार से ही की थी, मगर कुछ समय बाद ही वो बनारस के केंद्रीय विद्यालय BHU पहुंच गए, जहां से उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई की। वहीं संजय ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अपनी स्नातक की पढ़ाई खत्म की। संजय का जीवन भी बाकी स्टार्स के जीवन की तरह काफी संघर्ष भरा है। फिल्मों में काम करने के पहले संजय काफी सारे विज्ञापन का हिस्सा रहे। काफी मुशक्कत और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार साल 1991 में संजय को महानायक अमिताभ बच्चन जी के साथ खड़े होने का मौका मिला, और वो विज्ञापन मिरिंडा का था। एक बार की बात है जब साल 1991 में संजय मिश्रा ने टीवी पर प्रसारित होने वाले चाणक्य सीरीज के लिए 28 टेक्स लिए थे। उस समय में सीरीज के निदेशक ने उन्हें उप निदेशक के साथ समय बिताने के लिए छोड़ दिया था, ताकि संजय पूरा समय लेकर अपने डायलॉग्स को याद कर सके, जिसके बाद किसी तरह उन्हें उस सीरीज के डायलॉग्स याद हुए और उन्होंने अपना शूट पूरा किया। इस सीरीज के बाद संजय मिश्रा को 1995 में ओ डार्लिंग यह इंडिया में काम करने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने एक बेहद ही छोटा सा रोल प्ले किया था। ज्ञात हो इस फिल्म में संजय मिश्रा ने एक हारमोनियम प्लेयर का किरदार निभाया था। फिल्मों में काम करने के बाद संजय ने टीवी की दुनिया में सत्या और दिल से जैसे सीरियल्स में काम किया, जिसमें उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें ऑफिस नामक एक सीरीज में काम करने का मौका मिला, जहां पर संजय शुक्ला के किरदार में नजर आ रहे हैं, जो कि एक पान लवर है। मिश्रा के जीवन का एक सत्य यह भी है कि संजय ने फिल्मी जगत में अपनी किस्मत आजमाने से पहले टीवी पर कई सारे सीरियल्स में एक्टिंग किया है। हालांकि संजय ने 2005 में टीवी की दुनिया को अलविदा कह दिया था, जब उनके बंटी बबली और अपना सपना मनी मनी फिल्मों में निभाए गए किरदार के लिए लोग उन्हें जानने और पहचानने लगे थे। संजय मिश्रा ने अपने करियर में कॉमेडी रोल्स ज्यादा किए हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जहां उनके किरदार काफी गंभीर रूप में भी सामने आए हैं, जैसे कि जमीन, प्लान, सत्या और ऑल द बेस्ट कुछ ऐसी फिल्मों में से एक है जहां संजय मिश्रा का कॉमेडी अंदाज से हटकर कुछ अलग नजर आए हैं। इस क्रम में साल 2015 में संजय मिश्रा की आंखों देखी फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वहीं संजय मिश्रा की मसान फिल्म में रोल के लिए भी उन्हें अवार्ड से नवाजा जा चुका है। अब हम अगर संजय मिश्रा के आंखों देखी फिल्म से पहले की बात करें, तो संजय मिश्रा बॉलीवुड इंडस्ट्री के उन सितारों में से हैं जिनकी उपस्थिति फिल्म में चार चांद लगा देती है। अपने करेक्ट टाइम कॉमेडी से संजय मिश्रा ने गोलमाल धमाल जैसी फिल्मों में काम करके एक अलग ही पहचान बनाई है। वहीं उनके ऑल द बेस्ट और फंस गए ओबामा जैसी फिल्मों में निभाए गए किरदार ने उन्हें हर जगह अलग पहचान दिलवाई है। फंस गए ओबामा के लिए तो संजय मिश्रा को बेस्ट एक्टर इन द कॉमिक रोल से नवाजा जा चुका है। फिल्मों के अलावा संजय मिश्रा ने साल 2015 में मौका मौका नाम का एक विज्ञापन भी शूट किया था, जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद भी किया है। संजय मिश्रा भले ही कभी लीड एक्टर की श्रेणी में नहीं आ सके, लेकिन संजय उन तमाम सपोर्टिंग एक्टर्स से ऊपर है जिनके बिना कोई भी फिल्म आधी अधूरी लगती है। संजय मिश्रा अपने अभिनय और सादगी के लिए जाने जाते हैं। भले ही संजय मिश्रा ने कितनी भी फिल्में क्यों ना कर ली हो, मगर उनका जीवन अभी भी पहले की तरह सादा है। तो आज के इस सेगमेंट में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो या आप और भी ऐसे बिहारी प्रतिभाओं के बारे में सुनना चाहते हो, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।